एंड द्वारका ड्राइविंग स्कूल में फिर से स्वागत है आपका। हमारे पास वृंदा जी गाड़ी काफ़ी दिन से सीख रही थी, उनको आज हमने अकेले गाड़ी दी हुई है, बैक कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माय नेम इज विक्की, द्वारका ड्राइविंग स्कूल। ये देखो फ्रेंड, अच्छे से बिल्कुल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, इनको काफ़ी अच्छी गाड़ी आ गई है, अब अपनी भी गाड़ी चलाने लगे हैं नेक्सॉन। हमने जबकि बलेनो गाड़ी पे सिखाया इनको, बहुत अच्छे से काफ़ी कंट्रोल हो गया इनका। काफ़ी अच्छे से चला रहे हैं, बहुत अच्छा सीख गए ये गाड़ी वृंदा जी। मैंने इनको सब हर एक जगह गाड़ी चलवा दी है। वृंदा, गाड़ी आपको ना घुमा के लेके आनी चाहिए थी वहाँ से, मतलब हाँ वापस चल। अब तो सीधा उधर ही जाओ, फिर वापस लेके आना मोड़ के, उधर जाओगे तो ठीक है। क्लच को आराम से छोड़ो बेटा, काफी अच्छे से रिवर्स ले जा रही है, काफ़ी कॉफी कंट्रोल आ गया इनका बहुत अच्छे से। आज हमने इनको बिल्कुल अकेले गाड़ी दी हुई है कि इनका अच्छे से कंट्रोल आ जाए। कि बहुत कस्टमर बोलते हैं कि ड्राइविंग स्कूल वाले खुद ही अपने आप कंट्रोल रखते हैं कि कंट्रोल नहीं छोड़ते हैं, हमारा ऐसा नहीं है कि हम बंदे को पूरा अच्छे से ट्रेंड करके उनको लास्ट में हमारी गाड़ी अकेले दे के चलवा देते हैं हम, तो उनको भी लगे हाँ कि हमने अपनी गाड़ी, हमारी गाड़ी अकेले चला ली। अब ये देखो यहाँ से घुमा के अपने आप मोड़ के लेके आएंगे। देखते रहो फ्रेंड, काफ़ी अच्छे से गाड़ी कर रही है अभी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा गाड़ी चलाने लगे है वृंदा जी। देखो सर बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया,
कम स्पेस में गाड़ी इन्होंने बहुत अच्छे से मोड़ी है। आपने पूरी वीडियो देखते रहना कि आपको भी ये अच्छे से पता लग जाए कैसे क्या करना है, कि कम स्पेस में गाड़ी कैसे घुमानी है। अब ये बैक लेके आएंगे यहाँ से, अभी आप देख सकते हो हमारा कोई भी ट्रेनर गाड़ी में नहीं बैठा, बिल्कुल अकेले गाड़ी चला रहे हैं। दिखाने जा रहे कि कम स्पेस में कैसे यू टर्न मारना है, कि हमारे कस्टमर यू टर्न मार रहे हैं। ये देखिए कम स्पेस रोड पे, अच्छा लग रहा है भैया। दोबारा साइड वाला दोबारा मोड़ो। बोलो बोलो। पीछे के टायर एक बार कवर कर लोगे आप? पीछे के टायर, पीछे के टायर कैसे घूमते हैं? पीछे
मुझे दिख ही नहीं रहा उतना स्पेस, मुझे बोनेट ही नहीं दिख रहा। थोड़ा आगे झुक के देखो करो ना, इसका डिवाइडर का आईडिया करो, जब क्लोज हो रही है तो थोड़ा रुक जाओ आप। एक मिनट आप चलते रहे। इसको कुछ ऊपर करने का तरीका है, सीट को ऊपर। ठीक है भैया, थोड़ा आप आगे ही झुक के देखो। जैसे अब लेफ्ट का गैप कम हो जाएगा ना, तभी आपको रोक देनी है। तो आपको राइट में तो गैप दिखेगा, तो अभी लेफ्ट साइड काट रहे हो ना आप गाड़ी को, ठीक है। लेफ्ट का गैप पहले कम होएगा। ये कैसे देखूं ये वाला गैप? थोड़ा थोड़ा आगे झुकते रहो, आगे आगे होके देखो, आगे बढ़ाओ गाड़ी, आप बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, बस अब लग रहा है गैप कम हो गया। इधर उधर ज़्यादा दिख रहा है, पहले लेफ्ट काट रहे हो तो लेफ्ट का गैप कम होएगा, ठीक है। कौन सा शीशा देखना है? राइट वाला, राइट वाला। अब राइट में काटा बैक में, तो राइट से ही पहले कट टच होएगी गाड़ी आपकी, ठीक है। अब जैसे आगे ले रहे हो, अब कौन सा हिस्सा पहले टच होएगा? राइट वाला। रोक लो, अभी गैप कम दिख रहा है। एक बार राइट गर्दन घुमा के देखना, कम है, दिख रहा है ना? कम है गैप। अब कहाँ से टच होएगी, कौन सा शीशा यूज करना है? लेफ्ट, लेफ्ट वाला। है जगह? हाँ हाँ, चलो बस। ये ठीक था ना? ये पहले से बैठा था। अब यहीं से घुमा, थोड़ा स्पेस आपका और कम बनेगा। अब इधर से ही पूरा काटो आप, हाँ राइट में। ज़्यादा आगे गाड़ी नहीं बढ़ानी है, तो हमने लेफ्ट साइड पूरा नहीं दबाया था इस वजह से। ओके, गाड़ी कितनी बार बंद कर दी? कितनी? तीन बार। तीन बार? गाड़ी प्रॉपर सीधी हो जाएगी, दोनों शीशे में टच होएगी, जो हमने ज़्यादा थोड़ा लेफ्ट नहीं दबाया था इस वजह से, ठीक है। बस बिल्कुल सही है। बस रोक, राइट में स्पेस दिख रहा है तो लेफ्ट का हिस्सा आपका गलती टच होएगा, आपको रोकनी पड़ेगी उसे। बस रोक, चला लोगे? हाँ जी भैया।